गृह रक्षकों की होनी चाहिए बहाली। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाओं के उप महानिरीक्षक सौ पश्चिमा दिष्ट अरविंद कुमार ठाकुर शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। वहां गृह रक्षकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रमंडलीय समादेष्टा मनोज कुमार नट ने फूल और बोके देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टा कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय कैंपस में पौधारोपण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह रक्षक सरकार की रीढ़ है। सभी कार्यालय व सड़कों पर गृह रक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। वे स्मार्ट बने इसलिए सभी जिलों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने विशेष तौर पर गृह रक्षकों की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद अभी तक बहाली नहीं हुई है। जल्द से जल्द सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली हो। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जब जवान सेवानिवृत्त होते हैं तो उससे पूर्व 20 वर्ष तक ईपीएफ कटता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक साथ 1.50 लाख की राशि भुगतान होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यालय पुराने बस स्टैंड के पास है। यह कार्यालय बहुत जल्द लहरिया सिलाई मुख्यालय के पास चला जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त जवानों को ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू चल रहा है। वही मनोज कुमार नट ने बताया कि गृह रक्षकों के बच्चों को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण के तहत कार्यालय में राजमिस्त्री एवं बढ़ई को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि होमगार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होमगार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होमगार्ड मिलेगा। तो चूंकि अपने जिला की बात है और मधुबनी जिला बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होमगार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है, तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों। और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूंकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है, और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करते हैं, मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारा इच्छा है। सर कई सारे ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं, वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए। तो सबका ईपीएफ कटौती होता है, जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है, तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर वैसे जिनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय के तरफ नहीं एकदम त्वरित गति में जो है वो जमीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समाधिष्ठा का कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये देखिए जमीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना, जमीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ये तो दरभंगा महाराज का था बना बनाया, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इट विल टेक टाइम, लेकिन हम लोग उसको उस पर गति लाएंगे और वो मेरे ही कार्यकाल में ये स्थानांतरित हो जाएगा। इसके लिए आपको ये की योजना है हर एक अनुमंडल स्तर पे जो है हमारा जो है अनुमंडल स्तर पर तो है, अभी चल रहा है हाँ, लेकिन और गाड़ी छोटी छोटी गाड़ियों का जो अभी देख रहे हैं ना छोटी छोटी गाड़ियों का, ये छोटी छोटी गाड़ियां इसीलिए है जहां बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी वहां छोटी गाड़ी जाएगी। बेसिकली ये कार्यक्रम बेसिकली ये रखा गया था कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई है और यहाँ के कर्मियों के लिए और आम जनता के लिए क्या कल्याणकारी कार्य हुआ इस विभाग की तरफ से, इसके संबंध में समीक्षा की गई है। क्या कुछ समीक्षा में रखा गया था, यहाँ पर कितने मॉकड्रिल्स हुए और कितने लोगों को बचाया गया, जानमाल की क्षति हुई, किन जगहों पर अग्निपूत की आवश्यकता है उसको रखा जाएगा। ये रक्षा वाहिनी में ये हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया जाए ताकि आमजनों में इनका जो है छवि अच्छा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराया गया, करीब यहाँ पर 70 लोगों को ट्रेनिंग भी कराया गया है और इस तरह से ये कार्यक्रम चला रहा है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग जो गिरक्षक के बच्चे हैं उनके कल्याणकारी योजना के तहत उनके बच्चों को हम लोग जो है राजमिस्त्री और बढ़ई का कार्य दे रहे हैं और हमारे जो गिरक्षक ट्रेंड है वे उनको ट्रेंड कर रहे हैं। सर बड़े बृहद पैमाने पर इसका कार्यक्रम किया, यही
यह एक कम्युनिटी सेवा है, समुदाय की सेवा होने के नाते हम लोग जो है जन जागरूकता कार्यक्रम के चलते 371 यहाँ मॉकड्रिल कराया गया है और नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम है और सेमिनार के माध्यम से जिसमें आप भी मीडिया जन भी सब आते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग के द्वारा उससे सतत जो है उसका ऑडिट किया जा रहा है और जिनको त्रुटि पाई जा रही है उनको लागू करने के लिए कहा जा रहा है, जिनके स्तर से लागू नहीं किया जा रहा है उनको पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है। अभी 251,000 रुपये का टैक्स उद्ग्रहण भी किया गया इस समय और समस्याएं खास करके यहाँ हम लोग और स्मूथ करने के लिए अपने अधिकारी को यह कह रहे हैं कि जो शहर के मध्य में एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है अग्निशमन सेंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवरअप किया सके क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सम्भ्रांत नागरिक भी हैं और बिजनेस सेंटर भी है। इसके लिए योजना है कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया गया है और इसके लिए अलग हेड बनाई गई है हमारे महासमस्ता महोदय के स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मॉकड्रिल किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए और खास करके रिमोटेस्ट एरिया में भी इस प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़े और समुदाय की सेवा के जो हम लोग का ध्येय है उसको सार्थक बना सके। कहता है कि होमगार्ड इस तरह और मैं यही अपने विभाग से अनुरोध करूंगा कि जितने भी होमगार्ड के सेंटर्स हैं वहां पर उनका भवन भूमि आवासन की बेहतर सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर जो सुविधाएं पुलिस के समकक्ष दिया जाता है वो दर्शकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना 20 साल का अनुभव है कि गिरक्षक काफ़ी 35% संख्या में कार्य करते हैं और इन पर जो व्यय होता है वो मात्र 9% जो होता है वह मात्र 1.9% होता है। तो अभी इन लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इसमें जो है लगातार हम लोग को कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनके कल्याणकारी कार्यक्रम। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।